को अमल करें। सूफी बरकत अली साहब जो फरमाते हैं, और बड़ी खूबसूरत नसीहत है, फरमाते हैं ना कह ना लिख, अब करके दिखा। अब तो करके दिखाने की बात है, किसको नहीं मालूम है कि हराम और हलाल क्या होता है, किसको नहीं मालूम कि शरीयत की क्या तकाजे हैं, किसको नहीं मालूम कि मुसलमान पर जिम्मेदारियाँ क्या। अब तो करके दिखाने की बात है। और फिर ये बात आप कुछ बच्चों से हो रही थी पहले, इकबाल जब बात करते हैं ना कि अल्लाह ताला आप जिनसे काम लेगा वहाँ जुनैदी और अर्धशेरी इकट्ठी होगी, ये जुनैदी है ये मस्जिद और ये किला जो है ये अर्धशेरी है। अर्धशेर का मतलब है पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर, और जुनैदी का मतलब है रूहानी दीन की रूहानी ताकत और दीनी ताकत। हमारा अलमिया यही है हमारी सियासत का, कि कहीं पे उसके पास अर्धशेरी होती है तो उसके पास जुनैदी नहीं होती, और जिनके पास जुनैदी है उनके पास अर्धशेरी नहीं है। और जो जाहिर में दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं वो तो आशमी बेच रहा है आबरू दीन। इसका इलाज इस निज़ाम के अंदर नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि सूद और रिबा के निज़ाम के अंदर रहते हुए हम कोई हलाल इकोनॉमिक सिस्टम बना लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आपकी सूद और रिबा और बैंकिंग सिस्टम और कागज़ का नोट इस्तेमाल करोगे रिस्क हराम रहेगा। इसी तरह इस जमहूरियत के अंदर रहते हुए, जिस जमहूरियत को इकबाल ही फरमा रहे हैं, ये जिसको तुम आज़ादी की नीलम पर ही समझते हो, ये कहा जाता है ना फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जिसको तुम आज़ादी की नीलम पर, ये इकबाल के अल्फाज, जिसको तुम आज़ादी की नीलम पर ही समझते हो, वो जुल्म और इस्तबदाद का एक देव है जो पाव मारता चला रहा है। और जो पहले एक बादशाह के पास जुल्म का इख्तियार होता था, अब 150 पार्लियामेंटेरियंस के पास वो जुल्म का इख्तियार होता है, ये इकबाल के अल्फाज। कौन सी जमहूरियत, कौन सी डेमोक्रेसी, इनमें से किसी एक ने बात की है कि सूद और रिबा का निज़ाम खत्म करें, इनमें से किसी एक ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ के राष्ट्र का निज़ाम हो। इलाज ये नहीं है, इलाज अब ये है कि कुरान की तरफ वापस आओ, कोई हल नहीं है तुम्हारे पास। और उसके बाद और कुरान की वो तशरीह जो आज के दौर के हवाले से करनी है, बाबा कर गया हमारे, मजीद करने की ज़रूरत नहीं, बाबे से पूछ लेते हैं, बाबे का डे तो मनाते हैं, बाबे से पूछते कोई नहीं, पूछ लेना कैपिटलिज्म के बारे में क्या कहता है, सरमायादारी के बारे में बाबा क्या कहता है, कम्युनिज्म के बारे में क्या कहता है, सोशलिज्म के बारे में क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ वुमेन के बारे में क्या कहता है, तालीम जदीद तालीम के बारे में बाबा क्या कहता है। ठीक क्या फरमाते हैं कि मगरब की तालीम जो आज है वो मुसलमान नौजवानों की खुदी को तबाह करने का आसान तरीका है, कि शैतान को कॉलेज की ना सूझी, बच्चों की खुदी को तालीम में डुबो के नरम करो, फिर जिस तरफ चाहो मोड़ दो। हमारी तो खुदी सूरत फौलाद होनी चाहिए, खुदी का मतलब गैरत है, इज्जत, इसको नरम कर दो। अच्छा यार बेइज्जत भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, इज्जत आने जाने चीज़ें आदमी ढीठ होना चाहिए, ये तो मुसलमान का फलसफा नहीं है। मुसलमान तो कहता है शेर की एक दिन की जिंदगी, सौ साल जिंदगी, हमें गर्दन कटवाना कबूल है, झुकाना कबूल है, एक सज्दा जैसे तू गरा समझता है बाबी से पूछो तो सही ना, जिंदगी गुजारे कैसे, वो कहते जिंदगी साफ तेरे आज़ाद बंदों की, आज़ाद बंदों की शक्ति तो है, आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। वो बंदा आज़ाद ही नहीं है जो मरने के लिए आमादा ना, अल्लाह उसकी शहादत कबूल करे इस दुनिया में या उसको गाजी कर दे, ये मालिक की मर्जी है, बंदा तो पेश करे ना अपने आप, ये क्या बात नहीं, बंदा पेश ही ना करे अपने आप, मरने के लिए तैयार है ना बहुत बंदे मोमिन, हम फसाद नहीं फैला रहे, लेकिन जब अल्लाह की इजाज़त होती है फिर कुफर के सामने अगर चपुत हैं जमात की आती है मुझे है हुक्म है। अरे आसान बात नहीं है बच्चों, मुश्किल बात है। जब खलीफा ने हुक्म दिया कि तमाम मुसलमान सल्तनत के उलमा आके खलीफा के हक में फतवे दें,